कहते हैं परिवर्तन ही संसार का नियम है। समय बदलता रहा, किरदार बदलते रहे, हुक्मरान बदलते रहे, लेकिन जो युगों युगों से भी नहीं बदली वो है इंसान की अटूट श्रद्धा। ऐसी ही एक अटूट श्रद्धा का प्रतीक है बिनसर महादेव। सदाशिव, जो कभी समाप्त ना हो सके उसे बोलते सदाशिव, जो अजय अमर हो, जिसके कार्य कोई बिगाड़ नहीं सकता, वो महाकाज है। शिव के अनेकों रूप हैं, अनेकों नाम हैं, कोई एक नाम से नहीं जाना जाता है। इसकी कोई व्याख्या भी नहीं कर सकता है। जितनी व्याख्या करते जाएंगे उतना और बढ़ता जाएगा। अनंत है। बिन बिंदेश्वराय नमः, ये भगवान शिव का बिनसर महादेव के नाम से ये मंत्र बना हुआ है। जो इसे जाप करता है उसके हर प्रकार से सुख समृद्धि बनी रहती है। हे भगवान बिंदेश्वर महाराज जी, तुम्हारी कृपा होगे तुदा तोली जगत में, ये पार ब्रह्म जी तुम पर घाटा होगा। ये तुदा तोली रे जगा। मंदिर इतना पुराना है कि इसकी अभी तक किसी को पता ही नहीं कि कब ये बना है, किसने इसको बनाया। हमने तो ये सुना है कि वहाँ पर जो था पांडव के जमाने में उस मंदिर का निर्माण हुआ था, और भीमसेन के एक मतलब एक कुर्ते पर जितना पत्थर आता था उन पत्थरों से वो मंदिर का निर्माण हुआ था, ये हमने एक पुरानी कहावत सुनी है। कहते हैं कि शिव जी ने वहाँ पर तपस्या की थी और वहीं पर कामदेव ने शिव की तपस्या को भंग किया था। कामदेव के भस्म होने के कारण रति व्याकुल हो उठी। रति जब आई तो भगवान शिव बैठे हुए थे अपने तपो में। तब रति की आंसू से जो चरण में गिर पड़े तो भगवान शिव ने रति को आशीर्वाद देते हुए कहा कि ये तुम्हारा आंसू व्यर्थ नहीं जाएगा, ये आंसू से आज पूरा संसार इसको देखेगा, वो आज हम जल के रूप में देख रहे हैं। कुंड मंदिर की दाहिनी तरफ को है, वो रति के ही आंसू की कुंड है, और भगवान विष्णु ने रति को तब प्रदान देने के लिए वहां पर भी भगवान विष्णु भी वहां पर प्रकट हुए, इसीलिए वहां पर सभी की पूजा लगती है, विष्णु की भी लगती है, शिव की भी लगती है, लेकिन माना उसको शिव का ही मंदिर जाता है। जो चंदन वहां पर घोटी जाती है उसी कुंड के पानी से घोटी जाती थी, और जब वो कुंड से पानी निकाल रहे थे तो रस्सी पर सांप आ गया, उसके बाद उस कुंड को बंद कर दिया गया। वो कुंड के अंदर ये पानी डाल रहे हैं, ये पानी बाहर नहीं निकलेगा, ये कुंड देख लो, पानी यहाँ पर पानी डाल रहे हैं और यहाँ पर एक कुंड के अंदर से बाहर नहीं निकलेगा पानी, हमने एक लोटा पानी भी डाल दिया था अभी बाहर नहीं निकला। हमारी यहाँ पर बारी लगती है, 40-40 दिन की बारी लगती है, मेरे बाद और कोई आएगा और उसके बाद और कोई आएगा। बिंदेश्वर के अंदर शिवलिंग है और बिंदी है, 12 ज्योतिर्लिंग है, लक्ष्मी नारायण है, चढ़ाओ जो है माता है और कृष्ण और राधा हैं और भीमसेन चढ़े हुए हैं।
और घंटी यहाँ पर चढ़े हुए हैं। ये भैरवनाथ का धुनी भी हैं और भैरवनाथ का मंदिर है यहाँ पर, नंदी है, शनिदेव है, हनुमान मंदिर है और शिवलिंग है यहाँ पर। इसकी एक कहानी और भी है कि एक बैल जब इधर कुमाऊं के इलाके में एक गेहूँ घाट पड़ता है तो उन्होंने क्या किया, उस बैल की टांग को तोड़ दी। उन्हें सच का था ये, तो उसमें क्या हुआ कि बिंदेश्वर भगवान ने बोला डेरा गांव के पुराने लोगों को बह कि तुम्हारे बैल की टांग तोड़ दी उन्होंने, आप उसको लेने के लिए आओ। तब ये लोगों के सपने में ऐसा हुआ तो फिर ये लोग गए वहाँ उसको लेके आए, तो उसकी जब वहाँ से लेके आए तो उसकी समाधि बनी हुई वहाँ पर, अभी भी उसकी एक टांग जाए है नहीं। मंदिर अभी तक किसी का, कई भूवैज्ञानिक आ गए यहाँ, कई रिसर्च टीम आ गई, पर अभी तक कोई पता नहीं चला। जो वहाँ की लिपि है उस लिपि के बारे में किसी को पता नहीं। वहाँ पर सबसे ज्यादा गणेश भगवान की मूर्तियां और लिंग पाए जाते हैं। बेबी जा तुम तमाम देवते ढूंढ जाएगा तो कह मूर्ति चाहिए, बहुत मूर्ति चाहिए गणेश महाराज जी, और जगह जगह जंगल में भी उन्होंने निशान धरे थे, मतलब तो शिव जी मान लो कह भी दिन नहीं है तब पर पै दिया कोई आन नहीं सब। अगर एक आदमी मान तो वे जूते वो निकाले ना पीर से तो वे बिना जूते ला मतलब जेन बटा तो वे लोग निकाले ना बूंदा रूम ये टाइम मतलब जब बचपन से मैं मेरी उम्र हो मतलब बात ये सारा तो मैं थप बड़ बिन चलाना पड़ता था। यह मंदिर जो है चमोली गढ़वाल पौड़ी कुमाऊं तीन डिस्ट्रिक्टों से मिला हुआ है ये, और ये देवदार के जंगल, रासल के जंगल, रासल के पेड़, सुराई और बांस तिमूज आदि से ये पूरा भरा हरा भरा हुआ है। थलीसण से पीरसण तक 18 किलोमीटर है, वो गाड़ी की रोड है, फिर पीरसण में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जन्मस्थली है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो स्वतंत्रता सेनानी थे तो उनके नाम से यहाँ पर 23 अप्रैल को हर साल मेला लगता है। 23 अप्रैल को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने अंग्रेजों के बेखिलाफ बगावत की थी, क्योंकि अंग्रेजों ने एक गढ़वाली टुकड़ी के लिए आदेश दिया था कि आप लोग जो है नियते पठानों पर गोली चलाओ, तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने अपनी टुकड़ी के लिए मना कर दिया और सीज फायर कर दिया। फिर अंग्रेजों ने इनको काला पानी भेजा, इनके नाम से बरसार के अंदर एक महाविश्वविद्यालय वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम से बनाया गया है। बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में इनके नाम से चिकित्सालय बनाया गया है। हमारे यहाँ से दूर एक राट खेत बोलते हैं उसको, राट खेत, तो वहाँ पर जो है एक बड़े पत्थर है, ऊपर नीचे दो बड़े बड़े पत्थर है जहाँ हमको उसको बोलते हैं घराट, तो घराट के रूप में मानते हैं। तो वो पत्थर भी है, बोलते हैं कि भीम का घाट है, तो उस जगह का नाम है भी भीम घाट है।
और वहाँ से 11 किलोमीटर भी निसर है, बीच में वहाँ पर 6 चौरी पड़ती है। कहते हैं कि उस मंदिर के निर्माण के विचार विमर्श में पांडव जो थे 6 चौरों में बैठते थे और वहाँ पर उनका विचार विमर्श होता था। अभी भी वहाँ पर चबूतरा मौजूद है जहाँ पर पांचों भाई पांडव अपना निर्णय लेते थे। बिनसर महादेव से ब्रह्मडूंगी 1.5 किलोमीटर दूर पर है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर, विशाल पत्थर है, उसमें माँ भगवती का मंदिर है और कहते हैं कि शिव जी ने वहाँ पर स्थापना गौरा देवी की थी। सती के ब्योह में जब शिव जी परेशान हो गए थे तब वहाँ पर सती की ही पूजा के लिए वहाँ पर ब्रह्मडूंगी रखी गई है, उस पत्थर का नाम ब्रह्मडूंगी रखा गया है। वहाँ से गोचर सामने दिखाई देता है और हिमालय पर्वत भी सामने दिखाई देता है वहाँ से। एक ब्रह्मडूंगी से वो देवस्थान से वे बाजो जो पत्थर में भी साल भर में पूजा होने गाँव पहले वो पूजा होली तब आगे मतलब नाज बुतर लागू और जब जब तो वो चढ़ा ला तब उन वन नए नाज आप खान मतलब पहले वो देवी में तमाम देवी में हर साल पूजा हुई देवी। दिवाली के 11 दिन बाद एकादशी आती है तो एकादशी से वहाँ मेला शुरुआत हो जाता है और ये मेला एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और पूर्णमासी तक मेला खत्म होता है। 3-4 दिन का मेला लगता है। पूरा जंगल तक भरा रहता है, परसर तो छोटा ऐसा है लेकिन पूरा जंगल तक भरा रहता है, पूरी सड़कें भरी रहती हैं। बाकी दूर दूर पर यात्रा आने चाहिए अब जय भी मन कामना मतलब बिन से पूरी हो जानी मतलब दिल्ली बटी अपने लखनऊ बटी अपने बॉम्बे बई अपने चंडीगढ़ पर कम पद से लोग तय आप मतलब का पद हो बिन से बारे में बनारस बराबर ने पटना बटी अल्मोड़ा जिला का तमाम दुनिया भरे का आदमी मान मतलब भीड़ दिन पर ये दीदी मतलब लगे रे पर मेरा दिन दे जनता लगे रे तो जनता खंड में फेमस हो बिन से भी पहले तो मालूम लगे लोग तो बोल भगवान बिंदेश्वर की जय। यहाँ पे दो चीज की बहुत अच्छा महत्व भी है, एक वर और एक पुत्र है, जो मांगते हैं उसको यहाँ पूर्ण होता ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ मेरा ससुराल है बांकुड़ा में, तो उन्होंने कहा था कि नहीं शादी हुई है तो बिनसर महादेव के दर्शन करके आ जाओ, तो घर वालों ने भी बोला तो इसलिए आए थे दर्शन करने के लिए। बिनसर महादेव तो ऐसे ही हम पहले से ही मानते हैं इसको, यहाँ से जो भी जिसकी भी मुराद, हमारे गाँव में भी बहुत सारे हैं जिनकी मुरादें पूरी हुई है यहाँ से। भगवान के पास ऐसी पहाड़ों में रहता है जहाँ बिल्कुल वीरान सुनसान हो, जहाँ आदमी का कम से कम हस्तक्षेप हो, ऐसी जगह पे। निसंतान जिसकी औलाद नहीं होती, भगवान वो वहाँ वर मांगता है, रात भर वो हाथ दोनों हाथ में दिया जला के वर मांगता है, उसकी औलाद होती है, ये निश्चित है मतलब। जय भोले बाबा बिंदेश्वर महाराज की जय। ये भगवान माजी, ये भगवान शिव में बैठे छे, दिवणो आवे वही आने दिवणो आवे वही। पांच साल ही और नहीं,
और छह साल लगना अब बाल नहीं बचा नहीं कुछ नहीं दी प्राण जी है ना भगवान द्वार पर बैठे जी पांच साल काट ले छह साल लगना है अगर बात जाने कह गए बच्चे नहीं होना चाहिए मतलब पांच जान लेंगे मैं छह लड़के हो गए थे उम्र हो गई थी कम से कम 60 साल लगभग वो छो हाँ 60 लगभग वो आप लड़के हुए ये पूजा कर कर साथ साथ दिन जैसे मतलब हराया मतलब मिले जाने जो भी जो कार्य जो भी मतलब याद रही है बड़ी शांत दिमाग हो जाना काम पर तब बैल कभी भी गर्मी में रहते हैं लेकिन दिन चलना है कि बिल्कुल शांत है हर चीज़ में कोई भी मतलब इन भीतर बहुत जो गलत बहुत सब खत्म हो रामा गुगुती गुराली डांड काट मेरी दगड़ा दगड़ा परना जुराना ये जोड़ीदार वो बुझी जाल चाणा बुझी जाल चाणा कार्तिक पूर्णमासी आदि दगड़ा मेरी बोझी बिन सोर जाना यहाँ पर मेरा पापा था पहले सेवा कर रहा था मेरा बच्चा नहीं हुआ तो मेरा पापा नहीं अब सेवा किया तो मेरा बच्चा हो गया तो मेरा बच्चा हुआ तो मेरे बाप ने कहा यार अब चलो कमेटी वाले यहाँ पर बैठे थे उन्होंने कहा यार चलो तू ही यहाँ पर चौकीदार हो जा बाकी तनखान का तो कोई मेरे को देता नहीं थोड़ा कमेटी वाला साल ना 2000 रुपये देते साल भर का अब जैसे कोई यात्री आ गया तो कोई चाय पानी दे जाता है ऐसे करके हमारा थोड़ा सा गुजारा चल जाता है बाकी हमारे यहाँ पर चौकीदार रहने का कोई मतलब नहीं है लोगों अब 2000 रुपये तो एक दिन में कमा देता नहीं तो मेरे को साल भर में 2000 रुपये मिलते तो उसके क्या होता आप बताइए बताओ सर कुछ तो एक दिन का राशन भी नहीं हुई याद रहते बेचारा तो कोई जैसे उसका ज्ञान धर्म से चल दे देता है परेशानी तो बहुत ज्यादा होनी थी बर्फ पड़ जाना है लाख लोन अपने लोन कोई रात आनो कोई दिन आनो कबने के बड़ा ज रात तपन दे कबने बड़ा ज चिया दे कबने के उन सेवा कर बड़ा भारी थकान लागे भूख लागे मत आई सेवा दिल छोड़ कर जब मिले न मिले मतलब कोई भी हम बर्तन धोना किसी के कड़े साफ करना वो अच्छा लगता मेरे को साहब क्योंकि बिनसर में होटल में रहता तो क्यों मैं जाना था मेरा बर्तन बिनसर में सेवा कर जितना सेवा करूँगा उतना फल तो मिलेगा आज नहीं मिलेगा तो मेरे बच्चे के तो मिलेगा और बच्चे को नहीं मिलेगा तो पोते को तो मिलेगा तो मिलेगा किसी को एक दिन सेवा मिलती रहेगी जैसे आप दूर से यात्री आता है तो यात्री अगर यात्री को अगर भगवान नजर नहीं आता तो यात्री नहीं आना कोई यात्री आ रहा है कोई बोल किसी का बच्चा नहीं है वो बच्चा मांगने के लिए आ रहा है तो उसको भगवान बच्चा भी दे रहा है किसी की नौकरी नहीं है तो यहाँ पर भगवान के लिए हाथ जोड़ रहा है तो सामने वो भी देखे उनको नौकरी भी लग गई तो साथ साथ बिन जरा सा यहाँ पर जय जय बिंदेश्वर स्वामी दुदा तोली के मध्य सुशोभित देवी ब्रशों से सदास्तु सुशोभित सुंदर शीतल नीर बहाते विनो नदी के स्रोत बढ़ाते उस नदी को विनो नदी कहते हैं जो नदी बिन सरते निकलती है विनो नदी के स्रोत बढ़ाते दूर दूर से यात्री आते भांति भांति के सुमन चढ़ाते कहलाते हो अंतर्यामी जय 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 बिंदेश्वर।
जोगियों के जोगी वो फकीरों के फकीर अलख निरंजन। ओम शिवम ओम शंकर जय शिव शंभो। ओम शिवम ओम शंकर जय महादेव। ओम शिवम ओम शंकर जय शिव शंभो। ओम शिवम ओम शंकर बिन सर महादेव। जटाओ में जिसकी गंगा की धारा शिवम।